Hello student, in today's lecture we will see another topic from unit number 3. The topic name is execute process command. Aaj ke lecture mein hum discuss karne wale some basic command related with the process. Learning outcome: after completion of this lecture we will able to understand the concept of process command, aur wo commands hogi ps, wait, sleep, kill and exit. Prerequisite: threads and multi-threading model, जो हम previous lecture में discuss कर चुके हैं. So these are the different process command. So first command है हमारी PS, that means process status. This command stand for the process status. It is similar to the task manager. अभी task manager क्या होता है कि जब हम हमारे desktop पे Control Alt plus Delete ये तीनों बटन एक साथ प्रेस करते हैं तो एक टास्क मैनेजर ओपन होता है. वहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस जो हमारे सिस्टम में शुरू रहती है उसका स्टेटस के बारे में जान सकते हैं. तो सेम थिंग यहाँ पे हमारा PS कमांड करता है कि अगर हम PS कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे टर्मिनल में यूनिक्स या फिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो हम हमारे सिस्टम में मशीन में जितनी भी प्रोसेसेस होती है उसके स्टेटस के बारे में पता कर सकते हैं. इसीलिए यहाँ पे बोला हुआ है कि इट इज़ सिमिलर टू द टास्क मैनेजर. This command is similar to top command, but the information display is different. Same thing, अगर मैं PS की बात करूँगा तो this command is similar to the top command, but यहाँ पे PS में क्या होता है कि जो information ये display करेगा ये slightly different होगा. To check all the processes running under a user, use the command PS. कि अगर आपके सिस्टम में जितने भी processes execute हो रही है उसके बारे में जानने के लिए, अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप यूज करोगे कमांड ps. दिस डायग्राम शोज द एग्जीक्यूशन ऑफ ps कमांड. ps यहाँ पे लिखा हुआ ux, ux मीन्स यूजर नेम. सो यहाँ पे उस मशीन में कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस उस टाइम पे अवेलेबल थी वो प्रोसेसेस यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर दी है विद द PID मतलब प्रोसेस आईडी. उस प्रोसेस ने कितने परसेंटेज ऑफ सीपीयू को ऑक्यूपाई करके रखा है, कितने परसेंटेज ऑफ मेमोरी को ऑक्यूपाई करके रखा है, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड विद द पर्टिकुलर प्रोसेस आपके डेस्कटॉप पे ये डिस्प्ले कर देगा बाय एग्जीक्यूटिंग द PS कमांड. यू कैन ऑल्सो चेक द प्रोसेस स्टेटस ऑफ अ सिंगल प्रोसेस, यूज द सिंटैक्स PS एंड PID. आप बाय यूजिंग द PS कमांड एक पर्टिकुलर प्रोसेस का भी स्टेटस पता कर सकते हो. उसके लिए सिंटैक्स क्या रहेगा आपका PS, और उसके आगे में आपको लिखना पड़ेगा प्रोसेस आईडी. सो दिस इज द एग्जांपल. दिस डायग्राम शोज द डिटेल ऑफ पर्टिकुलर वन प्रोसेस एंड द प्रोसेस आईडी इज 1268. तो हमारा सिंटैक्स क्या रहेगा PS PID, दैट मींस हम उसको कैसे लिखेंगे PS एंड द प्रोसेस आईडी इज 1268. तो हमको यहाँ पे पता चला कि 1268 नाम की प्रोसेस आईडी वाली जो प्रोसेस रहेगी उसकी डिटेल्स हमको यहाँ पे स्क्रीन पे शो होगी. सेकंड कमांड इज किल कमांड. दिस कमांड टर्मिनेट्स द रनिंग प्रोसेसेस ऑन अ लिनक्स मशीन. ये कमांड क्या करती है, किल करती है रनिंग प्रोसेसेस जो होती है हमारे मशीन के ऊपर में. इसका सिंटैक्स रहेगा किल एंड PID. हमको पर्टिकुलर प्रोसेस को अगर टर्मिनेट करना है तो हम किल कमांड को यूज करेंगे. टू फाइंड द PID ऑफ अ प्रोसेस सिंपली टाइप PID ऑफ प्रोसेस नेम. अगर हमको किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस का PID पता करना हो तो हम क्या लिखेंगे PID ऑफ अ प्रोसेस नेम. तो सिंटैक्स को एग्जीक्यूट करने के बाद में, उस कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद में हमको प्रोसेस का PID पता चल जाएगा. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है PID ऑफ फोटोशॉप EXE, तो हमको क्या पता चला कि जो प्रोसेस है फोटोशॉप उसका PID क्या होगा 1525. अभी ये एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि 1525 इज अ प्रोसेस आईडी ऑफ फोटोशॉप. नॉट कंपलसरी कि हमेशा फोटोशॉप का PID जो रहेगा वो 1525 रहेगा, ये डिफरेंट हो सकता है. सो फॉर एग्जीक्यूटिंग द किलिंग कमांड हमको सबसे पहले PID पता होना जरूरी है, और PID पता करने के लिए हम क्या लिखेंगे PID ऑफ पर्टिकुलर प्रोसेस नेम. सो यहाँ पे प्रोसेस नेम है मेरा फोटोशॉप, तो मैंने लिखा यहाँ पे PID ऑफ फोटोशॉप. तो मुझे यहाँ पे पता चला कि PID ऑफ फोटोशॉप क्या है, प्रोसेस आईडी 1525. सो इन नेक्स्ट लाइन मैंने अपने कमांड को एग्जीक्यूट किया किल 1525. जब मैं एंटर करूँगा तो जो फोटोशॉप शुरू होगा वो अभी यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा. दिस इज द रोल ऑफ किल कमांड. नेक्स्ट कमांड इज अ वेट कमांड.
On Unix, wait is a shell command that wait for executing process to complete. अभी Unix में फिर से कमांड है जिसका नाम है वेट. इसका काम क्या होगा? वेट फॉर द एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस टू कंप्लीट. किसी प्रोसेस को वेटिंग स्टेट में अगर डालना है तो हम यहाँ पे वेट कमांड का यूज कर सकते. इट रिटर्न इट्स एग्जिट स्टेटस. सिंटैक्स, अभी इसका सिंटैक्स क्या होगा? वेट PID, दैट मीन्स प्रोसेस ID, या फिर हम लिख सकते जॉब ID, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे सिंटैक्स में जॉब ID, वेयर PID इज द प्रोसेस आईडी एंड JOBID मतलब क्या होगा? इज अ जॉब आईडी. एक एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है कि वेट 2018 मींस वेट फॉर अ प्रोसेस हैविंग अ आईडी 2018 एंड रिटर्न इट्स स्टेटस. कि हमको वेट करना है किसके लिए? एक प्रोसेस के लिए जिसका आईडी क्या रहेगा? 2018. और हम यहां पे रिटर्न क्या करेंगे? उसका स्टेटस. मींस वेट फॉर अ प्रोसेस हैविंग द आईडी 2018. हम 2018 के लिए वेट कर रहे हो और उसके स्टेटस को हम क्या करेंगे? यहाँ पे रिटर्न करेंगे थ्रू दिस कमांड. नेक्स्ट कमांड इज स्लिप कमांड. द स्लिप कमांड पॉजेस द एग्जीक्यूशन फॉर द सेकंड टाइम, सेकंड मिनट, आर और डे. सिंटैक्स क्या रहेगा? स्लिप नंबर सफिक्स. हम थ्रू दिस कमांड क्या कर सकते? प्रोसेसेस का जो एग्जीक्यूशन रहेंगे, एग्जीक्यूशन जो रहेगा उसको पॉज कर सकते कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए, कुछ आवर्स के लिए, कुछ दिनों के लिए. तो उसके लिए कमांड क्या रहेगी? स्लिप नंबर, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है सफिक्स. अभी सफिक्स में क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? सफिक्स हो सकता है फॉर अ सेकंड के लिए हमको स्लिप मोड पे डालना है तो एस लिखेंगे, फॉर मिनट के लिए डालना है तो एम लिखेंगे, फॉर आवर के लिए डालना है तो एच लिखेंगे, फॉर सम डेज के लिए डालना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी. कैन बी एडेड फॉर सेकंड, मिनट और आवर एंड डे. सो दिस इज द स्लिप कमांड. एंड लास्ट वन इज द एग्जिट कमांड, जो हमारे प्रोसेस में यूज करते हैं, प्रोसेस के लिए हम यूज करते हैं. द एग्जिट कमांड इज यूज टू एग्जिट द शेल वेयर इट इज प्रेजेंटली रनिंग. सिंटैक्स एग्जिट एंड, किसी चीज को एग्जिट करने के लिए हम एग्जिट कमांड का यूज करते हैं. With this execution of this command, execution of terminal will be closed. जिस terminal में हम commands को execute करते हैं, by writing this command, वो terminal ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? Exit हो जाएगा, close हो जाएगा. These are the some MSBT question related with this command. Explain the process related command. List all the process related command. So ये questions आपको MSBT में पूछे जा सकते हैं. Summary of learning. In today's lecture, we learn about the process related command. आज हमने process related कुछ command यहाँ पे देखा हुआ है, जैसा कि PS होता है, process status के लिए हम इसको execute करते, उसके बाद में kill होता है for killing the process, उसके बाद में wait होता है for waiting for the particular process और उसके status को return करने के लिए, उसके बाद में exit होता है for exiting the closing the terminal. These are the basic command जो आज हमने आज के lecture में discuss किया हुआ है. In the next lecture, we will start the unit number 4, CPU scheduling and the algorithm. Thank you.